पब्लिक टीवी आपकी आवाज। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक में सामाजिक संगठन कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण और शहीदों को याद करके नमन किया गया। इस अवसर पर मिष्ठान का वितरण किया गया। महानगर कार्यकारिणी सदस्य सोनी प्रजापति ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर छोटी बच्चियों को संगठन का प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष आर के भारत ने कहा कि देश को आजाद हुए अधिक समय हो चुका है, लेकिन आज भी हम लोग अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। इस गुलामी को भी खत्म करें और देश के वीर जवानों का सम्मान करें। इस अवसर पर महासचिव आकांक्षा भारत, जिलाध्यक्ष महिला संजना गुप्ता, महासचिव वैभव गुप्ता, महानगर अध्यक्ष महिला विंग किरण प्रजापति, महासचिव मीना राजपूत, उपाध्यक्ष बबीता चंद्रा, कार्यकारिणी सदस्य गुड्डी प्रजापति, ललिता प्रजापति, वैष्णवी गुप्ता, कृति राज, वंशराज आदि संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, आज हमने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर आकर के सामाजिक संगठन कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया परिवार के समस्त पदाधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पर हमने शहीदों को नमन किया है और पिता हमारे देश के कहलाने वाले महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण करके उन्हें भी नमन किया है। इस 15 अगस्त पर मैं सभी समाज सेवियों से और देशवासियों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग भारत माता की जयकार और देश की सेवा के साथ साथ हम लोग बॉर्डर पे जो सैनिक हैं, जो हमारे देश के लिए, भारत माता के लिए जान दे रहे हैं, उन लोगों का सम्मान करें। उन लोगों का कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और जब वो देश के बॉर्डर पर रह करके हम लोगों की जान दे सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं देश के लिए, तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी यहाँ रह करके हमारे समाज में कुछ पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनके साथ खड़ा होना सीखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।